तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं, आज मैं न्यू एलांट्रा लेके आया हूँ, होंडाई की न्यू एलांट्रा। इसका एयरबैग देख पा रहे हैं, फूट चुका है, दोनों एयरबैग निकल चुका है इसका, ये वाला ड्राइवर साइड का और पैसेंजर साइड का देख पा रहे हैं निकल चुका है। तो इसमें मैं डैशबोर्ड प्लस एयरबैग, सीट बेल्ट, इसका एयरबैग सिस्टम का मॉड्यूल, ये सब चेंज करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं और एक वीडियो बना चुका हूँ, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, लेकिन बट ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं इसमें डिटेली सब कुछ बताने वाला हूँ, इस वजह से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखा देता हूँ, इसका सामान जो क्या क्या है सब न्यू कंपनी से आया है, क्योंकि गाड़ी भी न्यू है, 2022 का मॉडल है। तो बाहर चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है एयरबैग, ये है इसमें डैशबोर्ड, ये मॉड्यूल, ये सीट बेल्ट, ये पैसेंजर साइड का एयरबैग, ये सब देख पा रहे हैं, ये सब डालने वाला हूँ मैं। तो आपको मैं दिखा दिया वो सब कुछ मैं इसमें इंसर्ट करने वाला हूँ, सब ये सब खोलूँगा और खोलने का प्रोसेस मैं धीरे धीरे आपको बताऊँगा, एक एक पार्ट खोल के बताऊँगा, बस मेरा रीज़न यही है। तो चलो फिर खोलने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को कंसोल बॉक्स खोलना है। तो कंसोल बॉक्स खोलने के लिए अपने को करना क्या है, ये वाला। तो कभी कभी क्या होता है कि अपन गाड़ी के अंदर बैठते हैं या डैशबोर्ड खोलना चाहते हैं तो भी खोल नहीं पाते हैं अपन, क्यों? क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता है, अंदर बहुत सारा कुछ दिया हुआ रहता है, तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पहले खोले, कौन सा बाद में खुलेगा, क्या खुलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा आता है। तो सबसे पहले ये वाला पैनल खोल दें आप, क्योंकि अपने को डैशबोर्ड खोलना है। ये निकल चुका। अब उसके बाद यहाँ पे एक रहेगा प्लस का स्क्रू, ये वाला स्क्रू खोल लें। तो स्क्रू भी खुल चुका अपना, पूरा खुला नहीं है। तो गाइस मैं स्क्रू खोलता हूँ, पूरा खोल के फिर इसको आप ऊपर उठाएंगे ना। फाइनली देख पा रहे हैं ये निकल चुका। तो इसको मैं गियर बॉक्स का ये पूरा सेटअप खोलता हूँ, तो ये भी वैसे ही खुलेगा, फिर मैं दिखा देता हूँ कैसे खोलता हूँ, क्योंकि एक हाथ से अपने को जम नहीं रहे इसको निकालने में। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली इसको ओपन कर दिया हूँ, लेकिन बट नीचे स्क्रू दिया हुआ रहता है, आपको ऐसे लेना है स्क्रू ड्राइवर छोटा वाला और फिर इसको खोलना है। तो चलो मैं नीचे का जितना भी स्क्रू है, 4-5 स्क्रू है, वो सब खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस 4 स्क्रू था, 1, 2, 3 और एक इधर दिया रहता है 4, ये वाले इसमें 4 स्क्रू रहता है। तो चारों स्क्रू खोल दें, इसको निकाल दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये इसको ऊपर से ही आएगा, ये नीचे से नहीं। इसको खींचेंगे, ये लॉक बहुत डिफ़िकल्ट लॉक दिया है। तो चलो फिर मैं इसको निकालता हूँ फाइनली, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना निकल गया ये, तो इसको नीचे ही रख दें और इसको निकाल दें। हैंड ब्रेक को पूरा ऊपर ले लें,
अड़चन नहीं देनी चाहिए। तो ये पूरा बाहर आ चुका अपना। उसके बाद अपने को खोलना क्या है, ये दो 10 नंबर दिया है इसमें, ये खोल के कंसोल बॉक्स बाहर निकालते हैं अपन। ये स्क्रू रहेगा, ये स्क्रू खोलता हूँ फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस 1 2 3 4 स्क्रू खुल चुका अपना। अब ये रही कंसोल बॉक्स के अंदर जो ये दिया है 10 नंबर 2, ये खोलना है अपने को। ये खोलने के लिए ये छोटा जो पेटी रहता है स्मॉल बॉक्स स्पैनर सॉकेट सेट डैशबोर्ड खोलने के लिए बहुत काफ़ी हद तक मदद करता है। आपके पास अगर नहीं है तो आप मंगवा सकते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये दोनों 10 नंबर खुल गया। अब अपना देखो कंसोल बॉक्स निकल गया और यहाँ एक सॉकेट है जो कि पीछे ये लाइटर में आया है, सॉरी चार्जर में आया है, चार्जर सॉकेट में आया है। तो इसको निकाल देता हूँ मैं। निकल गया। अब अपना ये पीछे होल्ड हो जाएगा। देख पा रहे ये निकल चुका। अब फिर आगे का स्टेप क्या है अपने को खोलना। ये देख पा रहे हैं एक स्क्रू यहाँ दिया है, एक स्क्रू यहाँ दिया। तो फाइनली दोनों स्क्रू मैं खोलता हूँ। ये दोनों स्क्रू खोल के अपने को ये आगे पीछे साइड खींचेंगे निकल जाएगा। तो चलो मैं आपके सामने ही खोल रहा हूँ ये दोनों स्क्रू ताकि आपको भी समझ में आए। तो खुल गया। एक क्लिप उधर दिया है। तो गाइस वो दोनों क्लिप निकालता हूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली दोनों स्क्रू तो निकाल दिया हूँ, दोनों क्लिप अभी है इजीली बाहर आ जाएगा। यहाँ एक लॉक रहता है सेम, इसको भी ऐसे ही लॉक रहेगा साइड। ये वाला लोग निकल नहीं रहा जल्दी। निकल चुका। तो अब अपन आ जाते हैं एयर बैग में। एयर बैग खोलने से पहले आपको सबसे पहले ये जो है ना नीचे एक स्क्रू दिया रहेगा, इसको नीचे ले लेंगे और उसके बाद यहाँ एक स्क्रू दिया रहेगा यहाँ पर, इसको खोल के नीचे ले ले और स्टीयरिंग को आगे ले ले जितना आगे हो रहा है। आगे लेने के बाद आपको सबसे पहले मैं एयरबैग लॉक निकालने के लिए बता रहा हूँ। ये है एयरबैग लॉक, यहाँ से आपको स्क्रू ड्रावर डालना रहेगा, बारीक वाला स्क्रू ड्रावर कोई भी ले लें। निकल गया एक लॉक अपना, दूसरा लॉक
घुमा दें, घुमा करके ये सामने आ गया। तो गाइस ये जम नहीं रहा मेरे को, जैसे मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया, दूसरा लॉक भी वैसे ही निकलेगा। तो चलो मैं निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली निकल गया एयरबैग, अब दोनों को सॉकेट से निकालना है अपने को। ये सॉकेट तो नहीं दिया, ये रेड वाली येलो कलर वाली जो देख रहे हो, येलो तो नहीं है प्योर ये। इसको आप माइनस इसको डॉट से ऊपर लेना रहेगा आपको। तो चलो मैं इसको लॉक को निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये लॉक तो इजीली निकल जाता है, लेकिन बट ये जल गया है ना, एयरबैग फूट गया, इसके वजह से ये जल गया, पूरा हीट हो गया है और ये जला दिया है सॉकेट। तो ये टूट गया, टूट के ही निकला है। बाकी एक सॉकेट इधर है, एक हॉर्न का, ये भी निकल गया। तो स्टीयरिंग को सीधा कर लेता हूँ मैं और फिर स्टीयरिंग को खोल देता हूँ मैं, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली बोल्ट खोल दिया, 21 नंबर का बोल्ट था यहाँ। अब स्टीयरिंग अपना बाहर आ जाएगा, इसको जब भी आप खोलें तो सीधा रख के ही खोलें। और ये लॉक दिया है यहाँ, लॉक बोल रहा हूँ, ये देखिए मार्क किया हुआ है। तो उसी पोजीशन में फिटिंग करना रहेगा अपने को। तो चलो इसको निकालता हूँ फाइनली मैं। ये सब क्योंकि वापस से अपने को यही फिटिंग करना है ये सॉकेट। तो फाइनली निकल चुका अपना, तो अब ये खोल रहा हूँ ये वाला कवर, ये पैनल। तो इसको एक स्क्रू यहाँ दिया हुआ रहता है, ये इसको खोल दिया हूँ। तो ये फ्यूज बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है। तो ये माइनस इसको डॉट से इसको कटा के निकाल देने का। ये रही स्क्रू, चार स्क्रू दिया है, तो चारों स्क्रू खोलता हूँ। खोल के फिर मैं आगे आपको इसको बाहर लेकर के दिखाता हूँ। तो फाइनली ये स्क्रू खोलने के बाद आप इसको खींचेंगे आगे साइड, निकल जाएगा। और ये ओबीडी का ओबीडी सॉकेट है, एक हाथ से जम नहीं रहा। चलो फिर मैं इसको सॉकेट निकाल देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेसिंग यानी कंट्रोल पैनल यूनिट निकाल के, क्लाइमेट कंट्रोल पैनल को निकालते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ इसको कैसे निकालने का है। तो चलो फिर इसको मैं निकाल देता हूँ, फिर आगे इसको दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली कंट्रोल पैनल निकालने से पहले आपको ये वाला फाइबर खींच के निकालना पड़ेगा, इसमें लॉक रहती है। तो देख पा रहे इसमें एक स्क्रू, दो स्क्रू दिया हुआ है, ये दोनों स्क्रू खोल देता हूँ। इसका जो डैशबोर्ड है ना, काफी खोलना बहुत फर्स्ट टाइम अगर आप कोई खोल रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाता है बंदा। अब इसको आप खींचेंगे अपने साइड, निकल गया, ये दो सॉकेट रहेगा। तो ये सॉकेट खोल देता हूँ मैं,
खोल के फिर इसको निकालता हूँ, और उसके बाद अपन चलते हैं ये वाला मीटर का सेटअप खोलने के लिए। तो मीटर का सेटअप खोलने से सबसे पहले आपको ये वाला खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये खुलने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ है, ये वाली स्क्रू खोलेंगे तो ये जो ऊपर का व्हाइट वाला जो है ना ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा व्हाइट वाला, ये वाला। इसको बाहर लेना कैसे है आपको मैं बता दे रहा हूँ, बाकी कोई स्टेप नहीं है जो आप इसको खोल पाए। इसको पहले ऊपर लेंगे, ये थोड़ा माइनस इसको डार से कटाना पड़ेगा आपको, इसका डैशबोर्ड थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहता है बोले तो। ये खोलना यहाँ का सेटअप, सब लॉक में दिया हुआ रहता है यहाँ। ऐसे ही खुलता है ये, देख पा रहे हैं फाइनली निकल चुका। कितना परेशानी करना पड़ा अपने को क्योंकि ये सब लॉक से दिया हुआ रहता है। बाकी उसके बाद अभी ये खुलेगा, ये मीटर खुलते हैं अपन। इसमें स्क्रू दिया है एक दो, और दो इसमें रहेगा पीछे एक दो। तो फाइनली ये सब स्क्रू खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इधर का पीछे का दोनों स्क्रू खोलने के बाद आप इसको आगे खींचेंगे, ये निकल गया। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ एक स्क्रू रहेगा और एक ये एक ये, उसके बाद ही खोलना पड़ेगा। इसको आगे खींचेंगे आप, ये निकल गया। अब अपने को खोलना है मीटर, मीटर का एक स्क्रू, एक दो स्क्रू, यहाँ रही दो स्क्रू, एक दूसरा, एक तीन चार दिया हुआ रहता है स्क्रू। चारों स्क्रू खोलने के बाद मीटर को आगे खींचेंगे, निकल जाएगा। तो चलो मैं मीटर को भी खोल के फिर आगे दिखाता हूँ। तो चारों स्क्रू खोल चुका हूँ मैं, और ये देखो मीटर इजीली बाहर आ गया। इसमें सॉकेट रहेगी एक, तो ये सॉकेट और कंट्रोल पैनल का सब सॉकेट खोल के फिर निकालता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली कंट्रोल पैनल मीटर निकाल दिया हूँ। अब उसके बाद मेरे को ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकालने से पहले सब इसकी सॉकेट वगैरह निकाल देता हूँ। ये वाला सॉकेट इसको नीचे लेकर के प्रेस करेंगे, ये इजीली निकलता है। ये बहुत जन काफ़ी टाइम इसमें सॉकेट में निकालने में टाइम ले लेता है। उसके बाद ये देख रहे 10 नंबर दिया हुआ रहेगा यहाँ, 10 नंबर खोलेंगे तो ये पूरा सेटअप निकल जाएगा। तो 10 नंबर खोलता हूँ फिर वो सेटअप निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो 10 नंबर खोल दिया, सब सॉकेट भी निकाल दिया हूँ, और अपने को रिंग अलग करना नहीं है अभी क्योंकि बाद में फिटिंग करेंगे जब तब देखेंगे। तो ये देख पा रहे हैं ये निकल गया हेडलाइट स्विच। अब अपने को टेप निकालने का है, तो टेप निकालने के से पहले आप पीछे देख पा रहे हैं, पीछे दिया है कि आगे दिया है, किधर दिया है एक स्क्रू, ये देख रहे हैं मैं दिखा देता हूँ ज़रा, एक स्क्रू ये, एक स्क्रू ये, दो स्क्रू खोलेंगे और एक स्क्रू इधर, तीन स्क्रू। तो उसके बाद इधर दिया रहेगा स्क्रू, तो टेप निकलेगा तभी निकलेगा ये। तो तीनों स्क्रू खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको टेप निकलता है कि नहीं निकलता है। तो फाइनली ये चारों स्क्रू खोलने के बाद मैं दिखा दिया, एक स्क्रू इधर दिया हुआ रहता है यहाँ पर, ये खोलने के बाद इसको आगे साइड खींचेंगे। आगे साइड खींचना तब रहेगा जब इसका लॉक निकालेंगे आप। लॉक इधर रहेगा,
फाइनली ये निकल गया और चार सॉकेट है इसमें, तो चारों सॉकेट मैं खोलता हूँ, खोल के फिर आगे दिखाता हूँ। ये तो अर्थिंग का ये खुल जाएगा, प्रेस करना पड़ेगा फिर खुलेगा ये। तो चलो चारों सॉकेट निकालता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन टेप भी निकाल चुके हैं, अभी ये वाला फाइबर निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसमें स्क्रू दिया एक, ये एक अंदर, दो और एक इधर, तीन। तो ये सब स्क्रू खोलता हूँ, सबसे पहले मैं उस साइड जाता हूँ, उस साइड जाकर के कंसोल ग्लो बॉक्स खोलता हूँ और इसका पूरा सेटअप खोल के फिर उस साइड जाकर के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड आ गया हूँ फाइनली, अब मैं ग्लो बॉक्स खोल रहा हूँ। तो ग्लो बॉक्स खोलना इसका इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। अब मेरे को खोलना क्या है, ये 10 नंबर, 1, 2, ये सब खोलता हूँ। खोल के ये ग्लो बॉक्स का पूरा सेटअप बाहर लेता हूँ। उससे पहले तो ये वाला फाइबर निकलेगा मेरा, ये वाला, तो इसको खोलने के लिए मेरे को ये खोलना पड़ेगा। तो इसको अलग करता हूँ मैं, ये अलग कर दिया। तो इसमें स्क्रू देख रहे हैं 1, 2, 3 और 1, 4। तो सबसे पहले ये वाला खोलना पड़ेगा, इसका स्क्रू। तो ये सब स्क्रू खोलता हूँ फिर इसको आगे खींचता हूँ, ये निकल जाएगा। तो चलो इसको निकालते हैं। तो जैसे आप इसका स्क्रू खोल देंगे तो ये इजीली आगे खींचेंगे, ये निकल जाएगा। यहाँ निकल नहीं रहा है, यहाँ पर भी लॉक दिया है, निकल चुका। तो अब इसका स्क्रू 1, 2, 3, 4 ये सब इसके साथ ही आएगा, या पहले इसको निकालेंगे, सॉरी पहले इसको निकालेंगे, ये वाला ग्लो बॉक्स का पूरा सेटअप आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा। तो ग्लो बॉक्स का सेटअप पूरा स्क्रू जितना है सब खोल देता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखा दिया इस साइड का, और ये स्क्रू खोलना पड़ेगा तीनों ऊपर का। तो खोलता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसका जैसे यही आप स्क्रू खोलेंगे तो ये नीचे आ गया। अब अपने को ये वाला निकालने का है, तो इसका देख पा रहे हैं, एक स्क्रू ये और एक स्क्रू ये, तीन स्क्रू इस साइड, तीन स्क्रू उस साइड। तो ये तीनों 4, 6 स्क्रू खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली स्क्रू सब खुल चुका, ये निकल चुका। अब इसका जो सॉकेट है, एक तीनों सॉकेट मैं खोलता हूँ, खोल करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली सब सॉकेट खुल चुका है, इसको पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब मेरे को खोलना क्या है, ये 10 नंबर एयरबैग का ये जो फिटिंग रहता है, 2 10 नंबर यहाँ दिया है, और ये सब 10 नंबर, ये 10 नंबर, जो जो डैशबोर्ड में दिया हुआ है वो सब खोलता हूँ मैं। एक इधर है, तो डैशबोर्ड वाला जितना भी दिया हुआ है तो इस साइड का पहले फाइनल कर लेता हूँ, उसके बाद ये वाला तो निकालना जी रहता है। तो इसमें एक लॉक रहती है और इसको डॉर से कटाना पड़ेगा फिर निकलता है, तो मैं ये लॉक पुश करना पड़ता है। तो चलो फिर ये निकालता हूँ, सेम उस साइड भी ऐसे ही दिया रहेगा। तो चलो निकालता हूँ फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली इस साइड से सब खोल दिया हूँ, ये भी खुल गई अपना, और इधर का जितना भी बोल्ट था, एयरबैग सॉकेट सब निकाल दिया हूँ। तो अब चलो इस साइड का, उस साइड से चल के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ का खोला गया, बस इस साइड का पूरा खुल गया सब, एक ये रही, उसके बाद एक 10 नंबर यहाँ दिए हैं। के बाद इसको ऐसे करके तो माइनस स्क्रू ड्राइवर से ये पुश करना पड़ेगा अपने को। तो ये सब निकालता हूँ फिर फाइनली डैशबोर्ड पे निकालने के प्रोसेस में बताता हूँ, लेके जाता हूँ।
तो फाइनली अपना डैशबोर्ड अब पूरा खुल चुका है, पूरा हिल रहा बाहर आ जाएगा। और इसको भी निकाल दें आप, क्योंकि इसमें फोर इंडिकेटर का सॉकेट रहता है, निकाल देंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। और चलो फिर अब अपना डैशबोर्ड, क्योंकि ये चीज़ें उसमें दिया है या नहीं दिया है उससे मतलब नहीं अपने को, क्योंकि खोल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फिटिंग ही करना है अपने को। तो चलो फाइनली डैशबोर्ड में निकालता हूँ, देख पा रहे हैं पूरा हिल है, तो निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपन डैशबोर्ड निकाल दिए हैं, तो चलो बाहर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही अपना डैशबोर्ड और ये रही नया वाला डैशबोर्ड। तो ये पैकिंग है पूरा कंपनी से, तो चलो फिर मैं इसको इसके बॉक्स के ऊपर होल्ड करता हूँ, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो नई वाली डैशबोर्ड में तो देख रहे हैं आप, और ये वाला जो नई वाली डैशबोर्ड में है कंपनी की तरफ से आया नहीं, पूरा डक्ट है एयर का, तो ये वाला उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये वाला एयरबैग जो देख रहे हैं नया डलेगी इसमें। तो चलो ये सब मैं फिटिंग करता हूँ। स्क्रू रहेगा एक स्क्रू इधर, स्क्रू फिटिंग रहेगा ये, तो ये सब खोल के उसमें फिट करता हूँ मैं, फिर फिटिंग करने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली पुराने वाले डैशबोर्ड का डक्ट पूरा नए वाले में फिट कर दिया हूँ प्रॉपर तरीके से। 5-6 स्क्रू रहेगा बस इसमें, बाकी कुछ नहीं। तो चलो अब इसमें एयरबैग डालना पड़ेगा। ये रही एयरबैग नया वाला, जो पैसेंजर साइड का एयरबैग है। फुल सेफ्टी के साथ आता है। चलो थैली में फोड़ता हूँ, क्योंकि एक हाथ से सेम एयर बैग है। तो ये रही, तो चलो इसको मैं फिटिंग करता हूँ। इसमें ये बैठेगा यहाँ, और स्क्रू 10 नंबर दोनों बोल्ट रहेगा वो लगा करके, फिर आगे मैं आपको फाइनली फिटिंग करके दिखाता हूँ। तो इसको बैठाना भी कुछ मुश्किल नहीं रहता है, ये इसको ऐसे डालने का पोजीशन देख करके इसका, और इसको प्रेस कर देने का ऐसा, ये लॉक में जाके बैठ गया। और एक बार फिर लॉक में बैठ जाता है तो इसको फिर काफ़ी मुश्किल से ये साइड का कटा कटा के निकालना पड़ता है, माइनस स्क्रूड्राइवर से डाल के इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे तब निकलेगा। तो चलो फिर इसमें दोनों 10 नंबर में डाल देता हूँ, उसका खोल के इसमें डाल देता हूँ, फिर डैशबोर्ड गाड़ी में डाल के दिखाता हूँ। तो देख लीजिए एक बार, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है, जो इसमें था पुराने में इसमें नए में डाल दिया हूँ मैं, देख पा रहे हैं नया वाला डैशबोर्ड पूरा पूरा तरीके से फिट हो गया। चलो अब इसको गाड़ी में डालते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली न्यू डैशबोर्ड डाल दिया हूँ सब फिटिंग करके। अब मेरे को करना क्या है, सब सॉकेट वगैरह जो भी 10 नंबर वगैरह जो भी बोल्ट खोला हूँ वो सबको फिटिंग करना है। तो चलो फिर वो सब मैं फिटिंग करता हूँ, सॉकेट वगैरह अपने लेवल में पोजिशन में लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और इधर मैं वीडियो बहुत कम दिखाऊंगा, फाइनली फिट करके ही दिखाऊंगा सब, क्योंकि खोलने का प्रोसेस तो आपको मालूम है, जैसे खोला जाता है वैसे ही फिटिंग होता है। तो चलो फिर मैं फाइनली फिट करता हूँ, एक एक करके बीच बीच में दिखा दूंगा। तो चलो फिर चलते हैं फिटिंग करने के लिए। तो फाइनली टेप वगैरह बैठा दिया हूँ, और मैं सबसे पहले ये वाला डक्ट रियर एसी का, यानी रियर जो हवा आती है पीछे साइड, तो उसका डक्ट निकाल चुका हूँ। निकाल के क्यों निकाला हूँ, क्योंकि अपने को एयरबैग जो मॉड्यूल है ये वाला, इसको रिप्लेस करने का है अपने को। तो इसमें 3-10 नंबर दिया है, एक इधर तो एक इधर 3 दिया है। तो तीनों 10 नंबर खोलता हूँ, खोल के ये सॉकेट वकेट है इसको रिप्लेस करता हूँ, और रिप्लेस करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये दोनों सॉकेट निकाल दिया इसका एयरबैग मॉड्यूल का, और दो तीनों बोल्ट भी खोल दिया हूँ, निकल गया। अब
नया वाला भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही नया एयरबैग मॉड्यूल, ये भी थैली में पैक है। तो इसको ऐसे ही जैसे खोले थे वैसे ही फिट कर देना। बाकी पुराना वाला भी देख लेना, सब नंबर वगैरह सही है, सेम है, तो बाकी इसका सब नंबर वगैरह सब सेम है। सॉकेट भी लगा देता हूँ, इसे घुमा करके वापस से इसको बैठेगा तो ये लॉक प्रॉपर। बैठा नहीं रहेगा, थोड़ा सा दबा करके बैठ गया। ये वाला भी ऐसे ही ये भी बैठ गया। तो चलो फाइनली मैं इसमें तीनों बोल्ट नट डाल देता हूँ और आगे आप डैशबोर्ड का फिर फिटिंग करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली कंट्रोल पैनल फिट हो चुका, ये डक्टिंग भी फिट कर दिया। अब अपने को मीटर वगैरह लगाना है, टेप वगैरह तो पहले बैठा दिया हूँ, अब इधर का तो बाद में फिटिंग करेंगे, पहले इधर का पूरा सेटअप फिट कर देता हूँ, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली मीटर वगैरह, इधर का कवर वगैरह सब चीज़ बैठ चुका अपना, ये बॉक्स वगैरह बैठ गया, अपने स्टेयरिंग का काम बाकी है और कंसोल बॉक्स का ये बाकी है। तो चलो कंसोल बॉक्स फिटिंग करता हूँ और स्टेयरिंग वगैरह लगाता हूँ, ये सब साइड का भी फिटिंग करता हूँ, फिर आगे फाइनली आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड फिट हो चुका, देख पा रहे हैं, बस अपने को स्टेयरिंग लगाना बाकी है। स्टेयरिंग का क्या लगाना बाकी है, स्टेयरिंग लगाना बाकी है और ये हेडलाइट स्विच, एयरबैग इधर का नया लगाना बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको सीट बेल्ट की तरफ लेके चलता हूँ। ये सीट बेल्ट भी दोनों साइड का, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड का लगाना पड़ेगा। और सीट बेल्ट का एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ मैं कि जब भी गाड़ी आगे से ठुकती है ना, तो सीट बेल्ट जब एयरबैग फूटता है तो सीट बेल्ट टाइट हो जाता है, पूरा फिट हो जाता है। ऐसा फिट क्यों होता है, क्योंकि जब पैसेंजर इसको लगा के रखता है या फिर ड्राइवर इसको लगा के रखता है ना, तब होता क्या है, जब अपन गाड़ी कहीं आगे से ठुकती है तो डायरेक्ट अचानक से रुक जाती है, तो अपन आगे की तरफ झुकने लगते हैं, तो बस उस झुकने को आगे की तरफ झुकने से बचाता है अपने को। और ये जब गाड़ी एयरबैग फूटती है, गाड़ी क्रैश होती है या कहीं ठुकती है, तो ये जब एयरबैग फूटता है तो ये आगे जाने से अपने को बचा इसलिए रखे ताकि अपन आगे जाके कहीं चोट ना लगे। तो उससे पहले तो एयरबैग फूट जाता है, तो ये बहुत कम सेकंड में काम करता है, यानी बोले तो सेकंड, एक सेकंड से पहले पहले, एक सेकंड का हजारवां भाग करो, उससे पहले पहले ये काम हो चुका होता है। तो इसको पैसेंजर को सीट से चिपका देता है ताकि अपन आगे ना जाए। इसकी वजह से कभी भी गाड़ी का अगर एयरबैग फूटता है तो सीट बेल्ट टाइट हो जाता है, पूरा फिट हो जाता है, पैसेंजर को दबा देता है, इधर ही ये कर लेता है, फिट कर देता है ताकि वो आगे गिर ना जाए, इस वजह से। तो चलो फिर मैं सीट बेल्ट भी चेंज करता हूँ। ये रही सीट बेल्ट, तो सबसे पहले ड्राइवर साइड का सीट बेल्ट चेंज कर लेता हूँ। चलो मैं बॉक्स पहले सीट को आगे लेता हूँ और पीछे जाके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ड्राइवर साइड की तरफ का ये एयरबैग, ये सॉरी सीट बेल्ट का कवर निकाल दिया हूँ, ये भी निकल चुका अपना। अभी यहाँ पर रहेगी एक बोल्ट, ये रही सॉकेट और ये रही बोल्ट, खोलता हूँ ये खोल के, फिर आगे मैं नया वाला इंस्टॉल करके दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये खोल दिया हूँ, एक सॉकेट था, एक 10 नंबर यहाँ रहता है, 14 नंबर यहाँ, एक 14 नंबर ऊपर रहता है। तो ये लिखा हुआ रहता है इसमें कौन से साइड का है, ये ज़रा दिखा देता हूँ आपको, ये देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है। तो अब नया वाला ये रही अपना
तो इसमें भी लिखा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। तो चलो फिर फिटिंग करना तो आपको मालूम ही रहेगा, तो फिटिंग कर देते हैं हम अपन। फिटिंग करने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज फाइनली फिट हो चुका अपना नया सीट बेल्ट, देख पा रहे हैं फिट हो चुका। तो चलो अब राइट हैंड साइड का फिटिंग करने के लिए चलते हैं, पैसेंजर साइड का, साइड की तरफ का। तो चलो चलते हैं फिर। तो फाइनली इस साइड का भी देख पा रहे हैं सीट बेल्ट, ये पूरा जाम है, आ नहीं रहा, तभी खींचो आएगा नहीं। तो चलो इसको भी खोलते हैं। खोलने के लिए साइड का गैस्केट रबर, उसके बाद इसको खींचेंगे, ये बाहर आ जाएगा। तो चलो इसको फाइनली मैं बाहर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये भी खुल गया, यहाँ का बोल्ट खुल गया, ये 10 नंबर खुल गया, ये सॉकेट भी निकाल दिए, ये 14 नंबर भी खुल गया। अब इसको अपन को बाहर लेने का है। ये रही, इस साइड भी लिखा हुआ है, देख लीजिए राइट हैंड साइड, ये रही। तो नया वाला भी देख लीजिए आप, ये रही नया वाला। तो नया वाला इंस्टॉल करता हूँ मैं, इसमें फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर फाइनली आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली नया वाला फिट हो गया। तो इसको एक बार आप स्लाइड करके यहाँ पे देख लें, ये प्रॉपर घूमना ये होना चाहिए फिटिंग करने से पहले एक बार। और तो चलो फिर बाकी फिट हो गया। तो चलो अपन स्टेयरिंग का थोड़ा बहुत फिटिंग करना बाकी है, वो फिटिंग कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। चलो स्टेयरिंग के पास चलते हैं। तो फाइनली एयरबैग का रिंग लगाना बाकी है अभी। तो ये पुराना वाला है, नया वाला इसमें है अपना। तो नया वाला लॉक रहता है यहाँ पर, सॉरी लॉक निकल गया, लॉक रहता है ये ऐसा ही स्टेट। तो चलो फिर इसको मैं फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके आगे दिखाता हूँ आपको। तो ये वाली लॉक रहती है, इसको ऐसे ही जैसे उसको निकाले थे ऐसे ही प्रेस कर देना इसको। बैठ जाएगा तो ये आवाज आएगा, बैठ गया। अब अपने को एयरबैग भी आपको दिखा देता हूँ। ये रही न्यू एयरबैग जो कि ड्राइवर साइड का है। तो चलो फिर फाइनली मैं सब फिटिंग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली स्टीयरिंग जिस पोजीशन में खोले थे वही पोजीशन में लगा दिया। अब तो ये बोल्ट लगा देने का। तो फाइनली फिट हो चुका है ये, अब एयरबैग डाल देता हूँ मैं इसमें। ये रही एयरबैग नया, तो इसका सॉकेट लगाता हूँ। तो ये सॉकेट लग चुका अपना, इसको पोजीशन ले ले किस तरीके से बैठेगा। वो पोजीशन में लेने के बाद बार अच्छे से देख लें, और उसके बाद इसको कुछ तो लग तो नहीं रहा, पुश नहीं। तो फाइनली बैठ गया, वो वायर लग रहा था इसकी वजह से ये हो रहा था। तो गाइस आपको मैंने ये वीडियो बना करके पूरी गाड़ी का सब कुछ चेंज करके दिखाया, बस बाकी दो सेंसर बचे हैं जो एयरबैग सेंसर रहता है वो बल्किट में रहता है या रेडिएटर सपोर्ट में जो भी बोलो आप उधर फिट रहता है। तो पूरी गाड़ी फिटिंग करके दिखाया मैं आपको, एयरबैग वगैरह रिप्लेस करके, डैशबोर्ड वगैरह चेंज करके सब कुछ दिखाया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि वीडियो कमेंट करके बताएंगे ना तभी मुझे समझ में आएगा कि मेरा वीडियो अच्छा बन रहा है या ख़राब बन रहा है।
आप कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा। तो ये वीडियो ये सब चीज़ें जो बना रहा हूँ ना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।